Okay, Ji, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Again, Assalamu alaikum. This is Bakar Beg, and again, another lecture for second year for both ETA and fresh students. And today we are going to discuss chapter number 14, and that is D and F block elements. DNF block elements, students, and they are also called as transition elements. इन्हें transition element भी कहा जाता है. Transition element किसे कहते हैं? Transition element कहते हैं the elements which has partially filled D or F orbital in its atomic or ionic state is called as transition element. वो element जिसके पास partially filled D or F orbital, ठीक है, उसके atomic state में या ionic state में. तो पहले इसका मतलब ये है कि D block element और F block element दोनों को transition element. Student, transition elements are classified into two types. One is called as outer transition element, and another one is the inner transition elements. Outer transition element and inner transition element. आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्चुअली डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट एंड द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स. इसे हम लेंथेनाइट्स भी कहते हैं और एक्टिनाइट्स भी कहते हैं. ठीक है, मैं आपको बता दूँ पिरामिड टेबल को अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं. तो इसके दरमियान में आपके पास जो एलिमेंट होते हैं एंड दैट वन इज द डी ब्लॉक एलिमेंट. और नीचे पिरामिड टेबल में जो एलिमेंट होते हैं सो दैट वन इज द एफ ब्लॉक. ठीक है चलिए, मैं आपको एक बात बताता चलूं. अगर आप पिरामिड टेबल बनाते हैं तो ये ग्रुप 1A, ये ग्रुप 2A, फिर आगे 3A वगैरह वगैरह, फिर ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, और फिर ये सेकंड पीरियड, और फिर ये थर्ड पीरियड, और फिर जाके ये फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवन. फर्स्ट पीरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ. तो सवाल ये आता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये कौन से पीरियड से शुरू होते हैं. सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द फोर्थ पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू. और आपको पता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन होने की बुनियाद पर इसमें जो फर्दर शब्दों की तादाद है वो दरअसल 10 ही होगी. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेकिन एक बात का बड़ा ख्याल रखिएगा कि जो सेकंड लास्ट वाला है ना इसे 1B कहा जाता है, नेक्स्ट वाले को 2B, और फिर इसको 3B, और इसको 4B, इसको 5B, इसको 6B, इसको 7B, और इन तीनों छोटे ग्रुप को नाम दिया जाता है 8B सब ग्रुप. तो ये जो एलिमेंट है ये जो दरमियान में दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट. तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो इस डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास जो पहली सीरीज है स्कैंडियम से शुरू होती है, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. इस सीरीज को नाम दिया जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. इसका मतलब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसे आप आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड. इसमें जो सबसे पहली है सो दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट
transition series. और इसका दूसरा नाम they are also called as 3D series. And that element starts from scandium से लेकर copper तक. तकरीबन 9 element बनते हैं. यहाँ पे हमने zinc को इस category से निकाल लिया है. क्यों निकाला गया है बताऊंगा, लेकिन जरा सा देखें. So the element will start from scandium to copper. 3D series या first transition series. इसके बाद स्टूडेंट द another one is called as second transition series. And that one is also called as 4D series. तो यहाँ से हमारे पास एलिमेंट शुरू होते हैं, that is the second transition series. और इसमें yttrium है, और yttrium से लेकर आप आते जाए तो हमारे पास सिल्वर तक पहुँचता है स्टूडेंट्स. तो आप कह सकते हैं the element from yttrium to silver, that is included in the second transition series. And similarly we have the third transition series जिसे हम 5D series भी कहते हैं. इसमें अगर आप एलिमेंट देखें तो इसमें लैंथेनम है, और फिर हाफनियम है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक गोल्ड है. मैं आपको बताता हूँ लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है. उसके बाद वाले जो एलिमेंट है वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, यहाँ से 57, 58, 59, 56, यहाँ से 59, 60, 61 वगैरह. फिर तक जाते जाते हैं तकरीबन 14, उसके बाद तकरीबन हाफनियम मुझे लगता है 57 में अगर आप 14 ऐड कर लें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 57 में आपके लिए 61 आ जाता है. 61 नहीं सॉरी 71 या 72. तो ये हाफनियम का है, फिर गोल्ड तक आप जाते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो दैट वन विल बी इंक्लूडेड इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी 5D सीरीज. तो बताइए कौन कौन से एलिमेंट है. आपने लैंथेनम ले लिया है और हाफनियम, और लैंथेनम हाफनियम से लेकर आप यहाँ कहाँ तक जाओगे, गोल्ड तक जाओगे. इसी तरीके से द लास्ट वन आपके पास जो है वो है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, और इसे हम 6D सीरीज कहते हैं. इसमें हमारे पास एक्टिनियम है, रदरफोर्डियम है, और फिर जाते जाओ दैट वन इज द मेटेरियम. राइट चिल्ड्रन, इसका मतलब ये है कि एक्टिनियम, रदरफोर्डियम एंड मेटेरियम तक हमारे पास एलिमेंट बनते हैं तकरीबन 9. तो वी आर इंक्लूडेड इन द टी ब्लॉक एलिमेंट आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट. स्टूडेंट ये हमारे पास तमाम है, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, और उनमें भी हम सिर्फ एक सीरीज को फोकस करेंगे, एंड दैट वन इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. ये आपके पास है जिसे आप कहते हो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसे 3D सीरीज भी कहा जाएगा. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स. अच्छा, तो हम लेते हैं 3D सीरीज को. अगर मैं 3D सीरीज को लूं तो कौन कौन से एलिमेंट इसमें मौजूद हैं. इसमें स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक को इस कैटेगरी से निकाला गया है. अभी मैंने जवाब देना है उसके जरा सा. अब इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता है हम हमेशा प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली बात करते हैं वो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो जरा देखिएगा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है. तो अगर आप देखें इस तरह जाते जाए स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो स्कैंडियम 21 तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1. ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अगर आप यहां से यहां तक देखें, यहां से यहां तक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन की भी है. तो हम इसकी जगह पे आर्गन भी लिख सकते हैं. तो स्कैंडियम 21 एंड आर्गन एंड 4s2 एंड 3d1. तो मेरे एक सवाल का जवाब दो कि इस स्कैंडियम का लास्ट शेल यानी वैलेंस शेल कौन सा है. तो अगर आप देखो तो ये फोर्थ शेल है और ये थर्ड शेल है. तो आखिरी शेल इनका जो है
वो फोर्थ शेल है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है तो ये फोर्थ भी नहीं है, बल्कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है, थर्ड शेल में मौजूद है। पॉइंट ऑफ व्यू, लास्ट शेल तो फोर है लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ में नहीं बल्कि कहाँ पे है, थर्ड पे है। पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 4s2 एंड 3d1। तो टिटेरियम में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर लो तो बताओ क्या हो जाएगा, 4s2 3d2। वेरिडियम की क्या होगी, 4s2 3d3। बताओ क्रोमियम की क्या होनी चाहिए, 4s2 3d4 होनी चाहिए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन s से जंप कर जाता है d में और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 4s1 3d5, बिकॉज ये दोनों हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, स्टेबल। तो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्शन आ गया क्रोमियम। मैंगनीज में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा करो तो s में जाएगा, तो 4s2 3d5। आयरन में देखो तो 4s2 3d6, कोबाल्ट की देखो तो 4s2 3d7, निकल की देखो तो 4s2 3d8, कॉपर की क्या होनी चाहिए, 4s2 3d9। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर जाएगा तो इसकी हो जाएगी 4s1 3d10। सो लुक एट हियर, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ द स्टेबिलिटी एंड जिंक, अगर आप देखें तो 4s2 3d10। एनी हाउ पहले मुझे बताएं कि एक्सेप्शन तुम्हें कहाँ कहाँ पर नजर आया, वेयर इज एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको एक्सेप्शन जो नजर आया है वो क्रोमियम में, और दूसरा क्या है, कॉपर। इसको याद रखना, पास में उठा के देख लो, इससे ज्यादा सवाल आ चुके हैं कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। याद रखो 4s1 3d5 4s1 3d5, और बताओ कॉपर की क्या है, तो 4s1 3d10। कीप इन माइंड, ओके। तो अब मुझे लिखने का तरीका क्या होगा, तो मुझे बताओ स्कैंडियम को देखो, अगर मैं इस 4 को n लिख लूं ns2, तो मुझे बताओ 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं। अगर ये n है तो 3 इससे एक कम है ना, तो इसको लिख सकते हैं n-1 nd। तो अगर आप देखें इन सारों में d में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, तो 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक। तो इसके लिखने का जो तरीका है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लिखने का जो तरीका है वो है ns1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन एंड n-1 d में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की है। कोई अगर पूछे कि f के कैसे होंगे, तो सुनो f के ऐसे होंगे ns 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन n-1 की बजाय n-2 हो जाएगा, और f में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दिस इज फॉर f block element. Point to be noted, students. This is important point. Keep in your mind, students. अब zinc को इस category से क्यों निकाला गया है? तो students, zinc को इसलिए निकाला गया है क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा transition element के definition में कि the element which has partially filled d or f orbital. तो अगर तुम zinc लोगे, तो zinc में d electron पूरे हैं, 10 electron हैं. This is not partially filled. This is actually completely filled. इसलिए हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी से निकालते हैं और इस ग्रुप को कंसिडर करते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये लो एक और बात, ट्रांजिशन एलिमेंट की दो टाइप में फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वन इज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट एंड अनदर वन इज द नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। वाजिद है ये कौन सा ग्रुप है, ये 1 भी है और ये 2 भी है। तो ग्रुप 2b और 2b के साथ ये जो स्कैंडियम है, दिस इज इंक्लूडेड इन 3b। तो 2b और 3b दोनों को कंसिडर किया गया नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, और बाकी जो हमारे पास है दे आर कंसिडर्ड एज अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मुझसे पूछोगे सर स्कैंडियम ग्रुप क्यों, स्कैंडियम में तो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, लेकिन स्कैंडियम का अगर तुम ये लोगे sc+3, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 4s0 3d0। बताओ डी में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं। तो देखो आयनिक स्टेट में हमारे पास इसकी वेरिएशन शो की कर दी है, इसलिए दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, दे हैव नॉट द प्रॉपर्टी लाइक अ ट्रांजिशन एलिमेंट। दैट इज स्टूडेंट, अब सेकेंड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है
atomic size. Okay, atomic size. Tell me, when you are coming from left to right, मुझे बताओ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी. तो मुझे बताओ तुम्हारे ख्याल में साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए. तो लेफ्ट टू राइट आए, साइज डिक्रीज होना चाहिए. लेकिन एक बात याद रखो, 3 2 2 1, मेरे फॉर्मूला याद रखना, 3 2 2 2 1. मतलब समझो, पहले तीन ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज कम होगा. तो स्टूडेंट, स्कैंडियम, टिटेनियम, मैंगनीज, फिर दो आ गया, फिर बाद में क्रोमियम और मैंगनीज, यानी दो का साइज सेम होगा. समझ आ रही है? समझ रहे हो? पहले तीन का साइज कम होगा, फिर दो का साइज सेम होगा. फिर मैंने उसके बाद दोबारा क्या लिखा है? दो. तो दो का दफा साइज फिर दोबारा क्या होगा? सेम होगा. तो आप मुझे बताओ, मैंगनीज के बाद हमारे को दूसरा कौन सा है? आयरन एंड कोबाल्ट, के दोनों का साइज सेम होगा. और फिर मैंने दो लिखा, तो फिर इसका मतलब यह है कि निकल और कॉपर का साइज सेम होगा, और जिंक का साइज कम होने की बजाय एक्चुअली क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. तो पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, लुक एट हियर, किस किस का साइज सेम है? क्रोमियम और मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट एंड निकल एंड कॉपर का जो साइज है वो एक्चुअली क्या है? सेम है. और क्यों सेम? बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट. बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से. क्योंकि तुम देख रहे हो, ये न्यूक्लियस होता है, ये 3D और ये 4S. इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5. तुम देखो ना, यहाँ पे देखा, 1 2 3 4. तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होते रहेंगे तो बताओ वो क्या कास्ट करेंगे? शील्डिंग कास्ट करेंगे, जिसकी वजह से आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. दैट इज व्हाई दे हैव द सेम इनर साइज. तो बताओ किस किस का साइज सेम होगा? तो क्रोमियम और मैंगनीज का, आयरन और कोबाल्ट का, और निकल और कॉपर का साइज क्या होगा? सेम होगा. आज के लिए इतना काफ़ी है. मैं वो नहीं डिस्कस करना चाह रहा. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.